फ्रेंड्स मटर के लिए बोला था, आज आपसे मटर भी ले आए। हालांकि ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होती, मैदा की होती है तो मुझे हजम नहीं होती फ्रेंड्स ये चीज़ें, अवॉइड करती हूँ। लेकिन कल जब मैं कह रही थी कि समोसे के बजाय आप मटर ले आते तो ले आए हैं ये मटर भी आते हुए, और ये मुझे ज़रूरत थी। ये ख़त्म हो गई थी मेरी कश्मीरी मिर्च, और ये लाए हैं चने की दाल। चने की दाल पड़ी होनी चाहिए फ्रेंड, कभी बनानी पड़ जाए, लेकिन हम अवॉइड करते हैं दालें। सब्जियां वगैरह ज़्यादा खाते हैं क्योंकि कहते हैं इस एज में सब्जियां वगैरह ज़्यादा खानी चाहिए दाल की बजाय, तो अवॉइड ही करती हूँ मैं। कभी कभी बनाती हूँ 15 दिन में 20 दिन में, ऐसे महीने में रूटीन में दाल नहीं बनाती। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स दूध गर्म कर रही हूँ, नहा ली हूँ और आलू उबाल लिए हैं। आज संडे है तो कुछ स्पेशल भी बनाया जाए, पराठे बनाऊंगी। यही आलू बहुत हैं हम दोनों के लिए, तो इतने काफ़ी हैं, क्योंकि प्याज भी कट करूंगी इसके साथ, हरा धनिया डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी, और ये मैंने भिगो रखे हैं अपने बादाम और अखरोट, अब ये खाऊंगी। और सर भी आ गए हैं, वो से देखते हैं कहाँ पर है, चला नहीं जा रहा फ्रेंड, लाइट चला लेती हूँ, बाहर देखते हैं चलते। न्यूज़पेपर ही रखा है, न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ रहे। कहाँ पर हो सर आप? यहाँ पे। अरे यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो? आज फिर लिया है? तो अभी सीजन का, इसके बाद मिलेगा ही नहीं। अच्छा, ये बैठे सर, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये रहे। आप कौन रहा फिर लिया है? अबे तो सही है, पौष्टिक है ये, सीजन है, फिर बाद में तो मिलेगा भी नहीं, हम चाहेंगे तब भी नहीं मिलेगा। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कितनी चीजें खाते थे उस टाइम, ये बतुआ। एक बार दिखाना ये कुंदरे का, जो जिस पे रेड फूल हो वो दिखाना मुझे। अच्छा। जिस पे फूल लगा हुआ हो, अंतर बता दूं बथुए और कुंदरे में क्या अंतर होता है। हाँ देखो फ्रेंड्स, जिस पर ये रेड रेड फूल देख रहे हो ना आप, ये तो होता है कुंदरे पे, बथवे पे ये नहीं होता। उस जैसे मैंने कई फ्रेंड से पूछा था कि आप बताना आपके स्टेट में क्या बोलते हैं इसको, तो कईयों ने लिखा था कि बथुआ ही बोलते हैं, लेकिन बथवे में और कुंदरे में अंतर होता है। ये जो फूल लगे हुए हैं छोटे छोटे रेड रेड, ये बथवे में नहीं होता। ये देखो, ये हाँ। सर ये कह रहे हैं अच्छे से दिखा दो ये रे। मैंने कहा दिखा तो दिए हैं सर, अभी चूहा छोड़ कर आए, हमारा तो यही कर लो, पकड़ो इसको, मुड़ा नहीं जा रहा मेरे से, अब पिंजरा धो के सुखाया है। आज बनाती हूँ मैं पराठे आलू के, ठीक है सर? प्याज भी थोड़ा काट लेना। हाँ प्याज तो काटूंगी ही, हरी मिर्च दो दिन काट लेना। हाँ ठीक है, और आज जाना है डॉक्टर के पास संडे को। दोपहर तक कितने बजे तक बैठते हैं? 2 बजे तक बैठते हैं। 2 बजे तक, कितने बजे चलेंगे हम? 10 बजे साढ़े 9-10 बजे। हाँ ठीक है, कर लेते हैं फ्रेंड्स काम। ये फ्रेंड्स हम दोनों ही लग गए हैं किचन में काम करने के लिए। गैस दूध आ गया था फ्रेंड, गैस पे दूध रखा हुआ है, और सर ये जो कुंदरा लाए थे वो साफ किया है, अब धो रहे हैं, फिर काट लेंगे, उबालना भी है इसको। और मैं ये फ्रिज में से हरा धनिया हरी मिर्च वगैरह निकाल रही हूँ, साथ के साथ दूध को भी संभाल रही हूँ, ऐसा ना हो कि इधर उधर नज़र हटी हो, दूध तो निकल जाता है, खड़ा ही रहना पड़ता है, काम और बढ़ जाता है फ्रेंड दूध का तो अगर निकल जाए तो।
सर ने ये कट कर दिया है उबलने के लिए रख देंगे, और दही निकाल ली है फ्रिज में से मैंने, रायता बनाएंगे अब हम। सर कह रहे हैं कोई ना कोई रोजाना पूछता ही रहता है कि कहाँ गई आपकी जोड़ी। मैं कहा डेली हम साथ ही जाते थे तो पूछेंगे। वो हॉस्पिटल वाला जो है ना, जो वो तो कहता था कि आपका जिक्र हम कई जगह करते हैं, इतनी सुंदर जोड़ी, अरे यार दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है। अच्छा? सर को कोई मिल गया था तो ये कह रहे हैं, फार्मेसिस्ट हॉस्पिटल में, ये कह रहे हैं कि वो कह रहे थे आपकी तो चर्चा हम कई जगह करते हैं, कितनी अच्छी जोड़ी है। थैंक्स गॉड, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे कोई ना कोई पूछता रहता है कि क्यों नहीं आते मैडम। उनकी मदर भी साथ में थी, वैसे कोई बीमारी होगी उनको, क्या बीमारी थी कोई ऐसी बीमारी होती है जो हजारों में ही कम मिलती है। करे वाराणसी घूमने गए थे, वहीं पर ही उनकी मदर की डेथ हुई, बता रहे होंगे कोई इनके फ्रेंड कि वहीं से वापिस आ गए हम तो होटल वगैरह में से ही। उनको भी साथ लेके गए थे, मदर को भी। तो ये अपनी वॉक से आए तो अपनी फ्रेंड्स की जो भी मिले थे उनकी बातें बता रहे हैं मुझे कि कौन कौन आपको पूछते हैं। कहते हैं जरूरी नहीं है कि आए हेलो सबसे हो, लेकिन हर कोई ये देखता है कि जोड़ी आती है, दो दो आते हैं तो एक नहीं है, तो पूछने लग जाते हैं फिर क्या बात हुई भी आप मैडम क्यों नहीं आ रही है। सर जानते भी ना हो फिर आदमी सोचता ही है, डेली जो मिलते हैं उनको। सर ने ये पराठे की तैयारी कर दी है, ये मसाला तो नहीं होगी है, पराठे की तैयारी कर दी है, इसमें मसाला डाल देते हूँ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स जो मैंने जीरा भुना था वो मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, और अब मैं बना रही हूँ रायता। दही को फेंट लेती हूँ अच्छे से, और मिक्सी में भी जो जीरा लगा हुआ है इसमें थोड़ा पानी डाल लिया है फ्रेंड्स, और ये दही के अंदर ही डाल दूँगी, क्यों वेस्ट किया, ये भी यूज़ हो जाएगा। और ये जो उबाला था कुंदरा सर ने, ये डाल दिया है इसके अंदर, और अब डाल दूँगी इसके अंदर मैं काला नमक। हॉस्पिटल जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या बताते हैं। गाड़ी में बैठती हुई तो मेरी जान निकलती है, बस इतना ही आराम है, बस वॉशरूम में चली जाती हूँ। वैसे किचन में जाती हूँ, घूमती रहती हूँ, लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि दो कदम मैं बाहर घूम लूँ वो नहीं हो पाएगा। अब जैसे सुबह से लगी हुई थी कुछ खाना वाना बनाने, किचन में काम कर रही थी तो ज़्यादा पेन पड़ गया है मेरा। चलते हैं फ्रेंड्स, हॉस्पिटल आने वाला है, देखते हैं क्या बताएगा डॉक्टर। ये फ्रेंड्स सर आगे आगे गए हैं, नंबर लगवा लेंगे, मैं तो धीरे धीरे चलूँगी, चला नहीं जाएगा मेरे से तो। आ गए हम हॉस्पिटल से, सर चाय बनाने लग रहे हैं, मेरी इच्छा थी बहुत चाय पीने की, और सुबह से कुछ ना कुछ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब तो मैं रेस्ट करूँगी। और सर थोड़ी सी आवाज़ कम कर लो एक बार ना। वो फ्रेंड हॉस्पिटल में एक्सरे हुआ है मेरा, दोनों ही घुटनों का एक्सरे और कमर का भी एक्सरे हुआ है, तो घुटनों में तो यही बताया है कि ग्रीस कम हो गया है, और ये कह रहे हैं डॉक्टर कि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं सारी, तो कैल्शियम वगैरह और दूसरी विटामिन की ये सब दवाइयां दी हैं, कुछ दवाइयां चेंज की हैं, तो कह रहे हैं कि मैं जो है ग्रीस वगैरह जो बनता है वो मैं दवाई नहीं दे रहा आपको, बस अपने डाइट का ही ध्यान रखो, डाइट के अंदर दूध दही फ्रूट ड्राई फ्रूट मीठे को छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो, डॉक्टर ने यही बोला है मुझे कि मीठा अवॉइड करना, बाकी सब ले सकते हो आप। और ये कह रहे थे कि एक हफ्ते की दवाई दे रहा हूँ मैं, अब अगर नहीं आराम मिला तो एक दो इंजेक्शन दूंगा घुटने में, क्योंकि दवाई खाने से तो आपको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मुझे आप उनको मैंने बताया था कि मुझे अल्सर है, तो कह रहे थे कि फिर और दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी नहीं तो, तो खाने की दवाई की बजाय मैं इंजेक्शन दे दूंगा घुटने में, होता होगा फिर इंजेक्शन भी पता नहीं मुझे, तो डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग का करते यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ,
चाय पी लो फ्रेंड्स, सब चाय बनाने लग रहे हैं। ओके बाय 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 फ्रेंड्स।